एक देश एक चुनाव अगर ये लागू हो जाता है, पारित हो जाता है, तो देश को क्या नुकसान हो सकता है वो बताएं। देश को बहुत सीधा सीधा, जब इनके पास में मतलब पूरी तरह से बहुमत नहीं है, उसके बाद इन्होंने देश में तांडव मचा रखा है, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग लगातार तब थी और इलेक्शन के बाद अब शुरू हो गई, आपने देखा लगातार ये सारी चीज हो रही है। जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जहां चाहेंगे ये भर्ती कर देंगे, जो भी प्रक्रिया है उसको साइड में करके अपने मन मर्जी से ये सारा काम करेंगे। इसलिए जो हानि होगी वो इतनी होगी कि जो रोजगार की स्थिति है, जो काबिल लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। देश के लोगों को, बच्चों को आने वाले समय में शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा को पूरी तरह से ये उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, निजीकरण कर देंगे, और सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को पूरी तरह से बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। जो आरक्षण है समाज के गरीब तबकों को, यानी जो SC हैं, ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड समाज की जो इतनी बड़ी संख्या है, जो इस देश का 80% से ज़्यादा लोग हैं, उनको बिल्कुल गुलाम बना के रख देंगे। आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, न किसी को रोजगार मिलेगा, न किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू सलामत रहेगी, देश को केवल और केवल गुलाम और मजदूर बना के रख देंगे। इससे बड़ा और हानि देश की और क्या हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।